प्रेशर बढ़ाओ संजय, अगर प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ। ओके नेक्स्ट कोई है सिक्योरिटी? ये और इसके से यहाँ पे ले लो ये, और लेफ्ट का पैर आगे ले लो, ले लो और आगे। कम ऑन रेडी संदीप स्टार्ट। धीरे 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 प्रेशर दो, धीरे धीरे वॉल ओपन करो, ऊपर तक लेके जाओ, ऊपर आग लगी है। और जोर से प्रेशर दो, पकड़ के रखो रे। सिर्फ इक्विपमेंट लगा के मतलब नहीं होता है, इसका इस्तेमाल भी करना होता है। कोई है क्या और जिसको इस्तेमाल करना है? आप आइए ना, आप आके देख लीजिए, परफेक्ट है ना, एकदम 100%। 100% तो सर जिंदगी नहीं होती, 100% कैसे बोलोगे? 99 बोलोगे फिर भी हाँ बोलोगे? 99.99 क्या करेंगे हम लोग? स्मोक डिटेक्टर डिटेक्टर एक्टिवेट करेंगे। आप लोग ये दिखा रहे हो, मुझे ये नहीं चेक। हाँ चलेगा, आप मुझे ग्राउंड फ्लोर पे चेक करो। हाँ चलेगा, कोई भी चेक करो ना, एक्टिव जो एक्टिव हो स्मोक, उसके अंदर स्मोक आने के बाद चलो ग्राउंड फ्लोर का देखते हैं ना। हाँ चलेगा, ग्राउंड फ्लोर टाइम से वो फिर खुला भी है थोड़ा एरिया। नहीं स्मोक डिटेक्टर में क्या होगा, सिर्फ धुआं अंदर जाएगा, स्मोक पिन स्मोक डिटेक्टर में धुआं जाएगा, फिर बाद में वो एक्टिव होगा। चलो सब लोग यहाँ पे आइए ग्राउंड पे। देख सकते हो ये स्मोक डिटेक्टर है, वो ब्लिंकिंग कर रहा है, दिख रहा है? लाइट बंद चालू हो रही है। इसके अंदर जो दो लाइट है वो ब्लिंकिंग करेगा। अभी क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ, और इसका लोकेशन कहाँ पे है वो एड्रेसेबल पैनल में दिखाई देगा। अभी एड्रेसेबल पैनल पे जाएंगे हम लोग, इसको निकालेंगे कैसे? अभी एक बार धुआं जाने के बाद, चलो हम लोग काम कर रहे हैं तभी भी हो सकता है, क्योंकि स्मोक जाने के बाद ये स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होता है, उसको क्लीन करने के लिए इसके अंदर का जो धुआं निकलना होता है, और फिर बाद में उसको इस्तेमाल करेंगे। फिर बाद में जहाँ पे एड्रेसेबल पैनल है वहाँ पे क्या होगा, रिसेट मारना होता है। अभी जहाँ जहाँ पे डस्ट रहेगा, जहाँ जहाँ पे स्मोक रहेगा उसके अंदर वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब सिस्टम अब कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी काम करते रहेंगे, कहीं पे भी जितने जितने स्मोक डिटेक्टर है कहीं पे भी अगर वो स्मोक निकल जाएगा, बार बार बचते रहेगा, और फिर बाद में लोकेशन ट्रेस करने के लिए हमको सिस्टम में जाना पड़ेगा। एड्रेसेबल जो पैनल है वहाँ पे अपना जहाँ हुआ है एक्टिवेट हुआ है वहाँ पे एड्रेस पे वो पता चलेगा कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे हुआ है, बेसमेंट में हुआ है, फ्लोर पे हुआ है, ये सब वो एड्रेसेबल पैनल में दिखाई देगा। हमको पता है कि यहाँ पे हुआ, हम लोग कर रहे हैं, मगर जहाँ पे हमको मालूम नहीं हुआ है, एक्टिवेट हुआ है, होने के बाद सायरन बजेगा, लेकिन बजने के बाद हमको मालूम नहीं, लेकिन मालूम होने के लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ता है, एड्रेसेबल पैनल पे, जहाँ पे पैनल है उसका लोकेशन ट्रेस करके वो बता देगा कि यहाँ पे हुआ एक्टिवेट। मतलब हवन किया मेरे को नहीं बजा था, आ जाएगा हवन, ऐसा नहीं है, ये धुआं है ना, धुआं वहाँ पे पहुँच गया तो बंद होगा। हवा की दिशा, ये धुआं है जो हवा की दिशा से यहाँ आ जाएगा, वहाँ आ जाएगा, तो वहाँ आ जाएगा,
लेकिन जब जाएगा स्मोक डिटेक्टर के डिवाइस में तभी हो जाएगा। क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटी क्या गया, थोड़ा भी गया तो भी हो गया। ये तो अगरबत्ती से किया, अगरबत्ती से किया, लेकिन हमने कहाँ पे पकड़ा? उसके सामने पकड़ा। मैं यहाँ पे पकड़ता रहूंगा और तो धुआं थोड़ी जाएगा, उसकी क्वांटिटी बहुत रहेगी। तो ये सिर्फ सायरन बजाएगा, ये ऑटो में है। ये जो स्प्रिंकलर्स जो है ये किस तरह से ये वही आग लगने, आग लगने के बाद है, लेकिन आग लगने से पहले हमको धुआं, आग पहली निकलती है, धुआं निकलता पहले धुआं। लाल कलर दिख रहा है सब, वो उसके ऊपर डस्ट आ गए हैं अभी। ये एक्टिवेट कब होता है? उसके अंदर धुआं जाने के बाद ही एक्टिवेट, चाहे वो कोई भी धुआं हो, सिगरेट पीने वाला हो या हवन करने वाला हो या कारपेंटर का भी काम करते रहेंगे तो उसका धुआं चला जा सकता है और एक्टिवेट हो सकता है। एक्टिवेट होने के बाद हम लोग परेशान हो जाते हैं, सिक्योरिटी परेशान हो जाएगी और जहाँ पे एक्टिवेट हुआ वहाँ पे जाना ही जाना है, चाहे वो डस्ट की डस्ट का हो या आग लगने के बाद वो धुआं हो। समझ गए आप लोग? तो हमको हमेशा जैसे सर्किट हमारा पैनल चालू हुआ होने के बाद हमको बार बार जाना ही है जहाँ पे जब एक्टिवेट होता है। तो हम लोग उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पहले आग निकलती है, आग होता है क्या धुआं निकलता है? पहले आग लगती है क्या धुआं निकलता है? पहले धुआं निकलेगा, धुआं निकले के बाद ये स्मोक डिटेक्टर पहले एक्टिवेट हुआ होगा, उसके बाद में स्प्रिंकलर का काम होगा। सायरन बज रहा है, हमारा ध्यान नहीं है, सायरन बज रहा है, स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है, पहले धुआं निकल गया, फिर जो बहुत आग होने के बाद ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या होता है, हवा आने के बाद आग भड़कती है, भड़कने के बाद फिर बाद में ये स्प्रिंकलर काम आता है हमारे पास। जब हम लोग नहीं रहेंगे, कोई भी यहाँ पे इस जगह पे कोई नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है या कोई ह्यूमन बींग्स कोई भी नहीं है, सब लोग अपने अपने घर पे हैं, आराम से हैं, मगर ये जो ऑटो में है, ये स्प्रिंकलर ऑटो में है, ये स्मोक डिटेक्टर ऑटो में बराबर ये अपना काम करते रहेगा। यानी इसके अंदर स्मोक जाने के बाद ये एक्टिवेट होगा, सायरन बजेगा, हमने सुना नहीं, उसके बाद में फिर भी ये काम करेगा, फिर बाद में आग लगने के बाद, आग भड़कने के बाद में ये स्प्रिंकलर 68 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद ये अपना काम करेगा, मगर हम लोग नहीं रहेंगे तो भी ये दो डिवाइस जो है वो ऑटो में अपना अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया? हम लोग मैनुअल में फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग मैनुअल में फायर हाइड्रेंट सिस्टम का जो हमने देखा अभी किया हमने वो इस्तेमाल कर सकते, मगर ये हम लोग नहीं रहेंगे तो भी ये इसका काम चालू रहेगा, ऑटो में स्प्रिंकलर का काम चालू रहेगा, स्मोक डिटेक्टर का काम चालू रहेगा। ओके, इसका सबसे हाईएस्ट स्पीड कौन सा है? हाईएस्ट स्पीड क्या होता है? मतलब कि कितने जोर से जा सकता है? कितने जोर से जा सकता है? जितने जोर से हम लोग प्रेशर देंगे उतने जोर से ये प्रेशर से पानी आएगा, 5 kg, 7 kg। अभी जो हमने पानी का इस्तेमाल किया, कौन सा फायर हाइड्रेंट सिस्टम इस्तेमाल किया, वो कितना प्रेशर था? 11 kg, 12 kg, बराबर है ना, वहाँ तक प्रेशर था। और इसके अंदर कितना तक प्रेशर जाएगा? 12 kg तक भी, इसके अंदर ये इतने छोटे से पाइप से भी 12 kg से प्रेशर आ सकता है। और जैसे मर्क्यूरी ट्यूब है वो फटने के बाद 68 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद सराउंडिंग शावर की तरह पानी फैल जाएगा, जहाँ पे आग लगी वहीं पे। मतलब कि अगर यहाँ, अगर वहाँ पे आग लगी है तो नहीं होगा, और अगर यहाँ पे आग रहेगी तो पहले धुआं निकलेगा, ऑपरेट पहले स्मोक डिटेक्टर होगा। अगर धुआं वहाँ पे पहुँचने के बाद, धुआं वहाँ पे पहुँचना चाहिए, धुआं नहीं पहुँचा तो सायरन एक्टिवेट नहीं होगा और सायरन नहीं बजेगा। मगर यहाँ पे आग लगी है, बीच में है, तो ये आग जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचती है, उसका टेम्परेचर क्रॉस नहीं करता है 68 डिग्री, तब तक वो फटेगा नहीं, और इसके अंदर धुआं तब तक जाता नहीं तब तक वो स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? और कुछ? थैंक यू, थैंक्स एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू टीम जेपी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये जो स्प्रिंकलर है ये 68 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद, देख लो, अरे वॉल बंद क्या लगाइए, वॉल बंद करूंगे आप लोग, पानी छोड़ा था नहीं, आप लोग देख सकते हो ये, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप? स्प्रिंकलर, क्या बोलेंगे? स्प्रिंकलर।
स्प्रिंकलर, इसका काम क्या है? स्प्रिंकल करना। ये कब फटता है? ये कब फटता है? ये डिवाइस जो है कब फटेगा? टेम्परेचर कितना होगा? अबाउ 68 डिग्री, 68 डिग्री टेम्परेचर। हमने आग लगाई थी बराबर, आप लोगों ने देखा रहेगा आग लगी है। जैसे टेम्परेचर 68 डिग्री क्रॉस करता है, क्या होता है? क्रॉस करता है तो क्या होगा? इसके अंदर जो मर्क्यूरी ट्यूब है वो क्या होगी? फट जाएगी। आप देख सकते हो मर्क्यूरी ट्यूब। अभी ये हमने क्या किया था, इसको बंद करके रखा था। अगर बंद करेंगे तो ये क्या होगा? ब्लास्ट नहीं होगा बराबर, क्योंकि क्या हुआ, इसके ऊपर हमने कवर रखा है। ठीक है, जब नया होता है तो ये कवर कर देते, फिर बाद में हम लोग को जब इस्तेमाल करना है तो हम निकाल देते हैं, और इसके बाद में हम यहाँ पे इस तरह से टंगा रहता है बराबर। आपने जो देखा, ये जो स्प्रिंकलर है फायर हाइड्रेंट की जो लाइन है, इसके अंदर क्या है था? पानी। क्या था? पानी था, लेकिन पानी के बाद क्या था? और प्रेशर था, पानी का प्रेशर था। ये मेंटेन हमेशा रहना चाहिए। पानी का अगर प्रेशर मेंटेन नहीं है तो क्या होगा? पानी नहीं आएगा। जिस तरह से जो फोर्स से आया था, हमने शावर, हमारे घर में भी शावर है, लेकिन वो प्रेशर इतना नहीं था जो यहाँ पे है। इसमें 5 kg, 7 kg, 10 kg तक प्रेशर जो होता है, अगर वो मेंटेन रहेगा तो क्या होगा? हाँ, कहीं पे आग लगी है तो जल्दी से बुझ जाएगा, जल्दी से बुझ जाएगी बराबर की ना। आपने देखा जल्दी से आग बुझ गई बराबर, जैसे लगी उसका 68 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद क्या हुआ? आग बुझ गई। हमेशा देखो, ये मैनुअली हमने फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया, हम खुद गए, मगर हम नहीं रहेंगे तो भी क्या होगा? ये डिवाइस अपना काम करेगा। क्या करेगा? अपना काम करेगा। क्या करेगा वो? जैसे जहाँ पे नीचे आग लगी है उसका टेम्परेचर 68 डिग्री क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा? हम लोग सोए भी रहेंगे। यहाँ पे आग लगी है तो क्या होगा? स्प्रिंकलर क्या होगा? अपना काम करेगा। 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर दिया तो आग, स्प्रिंकलर फट जाएगा, ये मर्क्यूरी ट्यूब फट जाएगी, और इसमें से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, और वो भी फोर्स से पानी निकलेगा। जब हमारा सिस्टम प्रेशर से रहेगा तो ही, अगर प्रेशर मेंटेन नहीं है, कभी कभी क्या होता है प्रेशर मेंटेन हम लोग देखते नहीं है, तो यहाँ पे कैसे ग्रीन सिग्नल हमने देखा फायर एक्सटिंग्विशर पे, हम यही से जान गए कि इसका इस्तेमाल हो गया। ठीक है, अभी देख लो आप, ये ट्यूब है और ये फटने के बाद क्या करना है हमको? इसको रिप्लेस करना है। अगर रिप्लेस नहीं कर दिया तो क्या होगा? पानी तो चालू ही रहेगा कंटिन्यू, हमको तुरंत इसको बदलना पड़ेगा। अभी हमने क्या किया, ये पानी बंद करने के लिए, नहीं तो पानी कंटिन्यू चालू रहेगा। हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर प्रेशर भरा रहता है, पानी चालू ही रहता है, हमको क्या करना रहता है? हमको आग बुझने के बाद वॉल्व बंद करना रहता है। मेन वॉल्व नहीं बंद करेंगे तो पानी बहता जाएगा, पानी फिर ठीक है ना, समझ गए ना? पानी इसके लिए हमारा ये वॉल रहता है, वॉल को बंद करेंगे तो हमको जब चाहिए हमको पानी हम बंद कर सकते हैं। उसके बाद में हम उसका वापस उसको नया बिठा सकते हैं। कैसे नया बिठाएंगे? तो ऐसे बिठाएंगे और जूना इसको हमको निकालेंगे। ठीक है, हम लोग नहीं रहेंगे तो भी इसका काम होगा। ये मैनुअली हुआ या ऑटोमेटिक हुआ? ऑटो में था इसके लिए हो गया। हम नहीं रहेंगे तो अभी आग लगने के बाद स्प्रिंकलर एक्टिव होगा और फटने के बाद 68 डिग्री क्रॉस करने के बाद आग बुझेगी, ये स्प्रिंकलर फट जाएगा और उसके अंदर से पानी निकलेगा, शावर की तरह सब जगह पे फैलेगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है क्या? ये दोनों अलग कैसे हो गए? ये दोनों अलग होने, ये फूटने के बाद अलग हो गए, और ये हमारा चीज है, इसमें जो आपकी प्लास्टिक की कैप लगी है ना ऑरेंज, वो आप सबको बताइए कि वो निकालना है, नहीं तो ऐसे ही रखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, चलो नया है बस लगा के रखेंगे, मगर हाँ। अभी सब लोग यहाँ पे आ जाइए, अभी हम लोग फायर हाइड्रेंट सिस्टम यूज करेंगे। ये लास्ट है, लास्ट एंड बेस्ट है, ये सबसे, जब आग यहाँ पे आ जाइए कैमरा, सब लोग यहाँ पे आइए ना, फायर हाइड्रेंट सिस्टम के बारे में जानकारी लीजिए। ये स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर है, क्या है?
स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट, इसको मैनुअली हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे मैनुअली इस्तेमाल करेंगे, जो हुआ वो ऑटो में हुआ, मैनुअली स्प्रिंकलर जो हुआ ऑटो में हुआ। अब ये है क्या थोड़े यहाँ एक बाजू में, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर, फायर हाइड्रेंट राइजर है, बराबर है। अभी ये कैनवास भाई बोलते हैं हम लोग, कैनवास शूज मालूम है ना, उसका बनाया हुआ कैनवास का, ये कैनवास होस पाइप है, क्या है, कैनवास होस पाइप, फायर का कैनवास होस पाइप है, बराबर। इसके ऊपर क्या है, ये कपलिंग है, कौन सा कपलिंग है, मटेरियल का मेल, मेल कपलिंग, कौन सा कपलिंग है, मेल कपलिंग है, बराबर। और उसके आगे का घेवने आना पाइप पूरी इकड़े घेवने यहाँ साइड ला, ये मेल कपलिंग है और ये क्या है, फीमेल कपलिंग है, ये स्टैंड बाय फायर राइजर को अटैच होता है पहले से, इसके अंदर वाइसर होता है ना, है इसके अंदर वाइसर होता है, उसके बाद में टाइट होता है। और ये लॉक सिस्टम है, इसको क्या बोलेंगे, लक्स, क्या बोलेंगे, लक्स बोलेंगे। और इसको कैसे हम लोग इसको अंदर अटैच कैसे करेंगे, मेल कपलिंग टू फीमेल कपलिंग, समझ गए ऐसे, और निकालना कैसे हमको, लक्स है खींचना है, कोई कोई क्या करेगा ऐसे ऐसा करेंगे, ना निकलेगा कैसा, कब कैसे निकलेगा, लेकिन आपको पता है कैसे उसको खींच के निकालना है, नहीं तो कोई कोई क्या करता है, ऐसे घुमाता है, ऐसे घुमाएगा डाय, ये होना नहीं, हमको मालूम होना चाहिए, क्या करेंगे हम लोग, कैसे आप खोल लो दिखाओ, इतना ईजी है हम लोग खोल सकते हैं, हाँ निकल गया बराबर। अभी हम लोग अटैच कैसे करेंगे दिखाओ, हाँ बराबर, एक छोटा बच्चा भी ये इसका इस्तेमाल कर सकते, इतना इजी है, ठीक है। ये हम लोग ये एक साइड में होता है, क्या होता है, एक साइड में मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग, बराबर, दूसरे साइड में ये फीमेल कपलिंग है, क्या होगा, ये फीमेल कपलिंग, इसके दोनों बाजू में लॉक है, बराबर है। इसको निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, इस तरह से खींच के निकालेंगे, ठीक है, ये पकड़, अभी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको ब्रांच पाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्रांच पाइप, ये आगे की तरफ रहेगा, जहाँ पे आग लगी है, जहाँ पे आग लगी है उसको क्या करेंगे हम लोग, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको अटैच कैसे करेंगे, इस तरह से हम लोग पकड़ेंगे, कैसे, ये जो कपलिंग है जहाँ पे कैनवास पाइप जो बांधा हुआ है, और इसमें ब्रांच पाइप, इस तरह से लेफ्ट हैंड में क्या करेंगे लेंगे ब्रांच पाइप, और राइट हैंड में क्या रहेगा, फीमेल कपलिंग, और इसको इस तरह से, बराबर, कितना इजी है, देखो सॉफ्ट है, आराम से हम लोग निकालेंगे, कैसे हम दोनों, नहीं ये दोनों, इस दोनों पैर में क्या करेंगे हम लोग, देख लो आप, हाँ पैर में रखने के बाद इसको खींचेंगे, और जैसे पानी आ गया तो हम ऐसे करेंगे, समझ गए किसे इस्तेमाल करना है, इसको इस तरह से, एक हाथ में ब्रांच पाइप रहेगा, एक हाथ में फीमेल कपलिंग रहेगा, और ठीक है। अभी हम लोग क्या इसका इस्तेमाल करेंगे, पानी किस तरह कितना फोर्स से जाएगा आप देख सकते हो, संतोष केबल उस लोग, हाँ ठीक है, इकड़े अपना गाँव का ये पकड़ 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 बैग और कैमरा बैग है, सब लोग यहाँ पे आइए ना, देखो थोड़ी आ गई, हाँ पोडियम कार है, लाल कार पर्यंत जाऊ दे ना, अरे वाज होते का सर, चालेल का रोड वर कसा काय मारा, नाही रोड वर नाही, रोड वर पोडियम वर मारा, पोडियम पोडियम चालेल, पोडियम आवे नाही जे जाऊ दे काय, रोड वर केले तरी कसे टेस्ट भी हो जाएगा, देखो आठ माले तक जाना चाहिए तो आठ, हां 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 खिड़की बंद है, मान सकते हो कपड़े थोड़ा तो गाड़ी पे रहो, थोड़ा वो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसको पकड़ लो,
ठीक है ना, ठीक है। इसका इस्तेमाल हमको कब करना है, जब बड़ी आग लगती है, हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझाते, किससे बुझाएंगे हम लोग, ये फायर हाइड्रेंट, ये फायर हाइड्रेंट से हम लोग बुझाएंगे। जब आग लगती है, आग भड़कने के बाद जैसे हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझा सकते तो हम लोग किसे बुझाएंगे, कैनवास होस पाइप फायर हाइड्रेंट सिस्टम से हम लोग बुझाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग किस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से लेफ्ट हैंड से ब्रांच पाइप को पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बराबर कहाँ जाएगा, पकड़ने का स्टाइल होना चाहिए इस तरह से हम पकड़ेंगे ताकि हम, ठीक है, और पीछे बंदा रहना चाहिए, पीछे है पाइप, माइक उधर दे दे, सामने दे। ठीक है, आप सब लोग देख सकते हो इसको, अभी इसका प्रेशर जो है, पानी का प्रेशर है और 10 केजी तक रहेगा। कितना केजी का है संदीप? 12 केजी का प्रेशर है, बराबर है। ये जो स्प्रिंकलर का प्रेशर होगा वो 5 केजी तक रहेगा, मगर इसका प्रेशर 12 केजी तक है। हम लोग तो अभी सब लोग इधर आ जाए, पाइप को पकड़ो, ये पकड़े, दो सफिशिएंट है। अभी जितना कंट्रोल करेंगे पाइप को, अच्छा, उठा लेंगे तो क्या होगा, मेरे लिए आसान होगा और नहीं रहेगा तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, रेडी, चलो। अभी मैंने क्या किया है, पकड़ लिया बराबर, एक दफे फेस ऑफ फायर, हेलो राजू, हेलो मेन तो ऑन ऑर्डर, हाँ हाँ जो कि चलते हो, जो कि चलते हो, उसकी ऑर्डर बताओ, मेन पे भी ऑर्डर, मेन पे भी चल रहा, मेन खाली होना, मेन पे खाली होना, लॉकेज है मेन पे, हाँ देख लिया आपने सब लोगों ने, बस ठीक है, मैं तो मैं अभी ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो, एक एक करके आ जाइए, बड़े हो गए तब, नहीं 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 बच्चे को नहीं, ये बच्चों का खेलने का नहीं, ठीक है, किसी को ट्राई करना है तो आप आ जाइए फटाफट, पेन पेन लो, अच्छा अच्छा ये इसको यहाँ पे पकड़ लो, अच्छा ये ओके, ऐसा, और इसको इधर तक ले लो, तो इसको यहाँ ये अंदर, इसके अंदर अटका दो इधर ना, ये इसके ऊपर आना, अंदर बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इसके अंदर कांखे में अंदर आना, बहुत प्रेशर है, ये फूकेगा तो ये बीच में गैप रखो आप ऐसे, ओके ओके, हाँ इसके अंदर अटका दो ताकि आपको ये हो जाए, ठीक है, लेफ्ट का पैर आगे, इधर मोबाइल होगा तो निकाल लीजिएगा, निकाल ले, हाँ मोबाइल निकालो, ठीक है रेडी, अंदर लगा दो, नीचे नीचे एम करो ज़्यादा करके, नीचे जमीन पे करो, फिर बाद में धीरे धीरे अपने को लगेगा लोड है नहीं, ठीक है रेडी, संदीप रेडी, थोड़ा साइड में, सोड़ सोड़ हलू हलू सोड़ सोड़ थोड़ी कड़े आराम से, देखो प्रेशर जैसे बढ़ेगा, यहाँ पे आइए कैमरा चल, हलू हलू जा सकते हैं, पर नेक्स्ट कोई है किसको इस्तेमाल करना है, कर सकते हो आप लोग, एनीवन कैन कम, चलो मैं यूज करता हूं, ये मैं पा रही हूं, थैंक यू अंकल, नया हो गया, छोटा बच्चा है, किसको करना है आप कर सकते हो, आ जाइए, जैसे हम लोग प्रेशर देंगे वैसे ही वो, ए श्रीमान को, श्रीमान, ओ श्रीमान, ये पूरा अभी गीला हो गया, पूरा हो गया, ठीक है, नेक्स्ट कौन है, मैं,
पानी का प्रयास। आप आ जाइए, आ जाइए, आपको करना है तो कर सकते हैं। उसमें क्या, वो साइड से, वो साइड में खड़े रहो, हाँ ऊपर पकड़ना इसके, ये इसको ऊपर, इसको उस ऊपर से पकड़ लो, हाँ, और ये नीचे से डालो, और इधर, और इसके अंदर छुपा दो, लेफ्ट हैंड पैर आगे ले लो, हाँ, और ये बीच में गैप रखो, ये फूकेगा, हाँ थोड़ा ऐसा, और इसको इसके अंदर ऊपर होल्ड करो, अंदर से, अंदर से, अंदर से करो, अच्छा बहुत प्रेशर होगा, वाह, हाँ थोड़ा ये साइड में, और ये थोड़ा इधर इसके ऊपर ऐसे रखो ना, आराम से, अरे भाई ठीक है, रेडी, धीरे धीरे, आने दो आने दो, थोड़ा दे दे दे, हाँ दे 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 दे, खोल भाई, पकड़ लिया है ना अपन, इसका वेट जो है ना इन्होंने पकड़ लिया है, तो इधर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, ऊपर करना, ऊपर कर सकते हैं, बांध बांध, नेक्स्ट कोई है, और सिक्योरिटी आपको करना चाहिए, आप तो पहले रहते हो नहीं, जहाँ पे आग लगेगी वहाँ पे आपको पहले फर्स्ट पर्सन आप हो, लेफ्ट पैर आगे ले लो, ये साइड, रेडी स्टार्ट, धीरे धीरे, कम ऑन स्टार्ट, प्रेशर 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 बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और इकड़े 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 कुठला घेतोय, इकडे तक ना, ये जो स्प्रिंकलर है ये 68 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद देख लो, हाँ तो वॉल बंद क्या लगाइए, वॉल बंद करूंगे, आपका पानी थोड़ा सा नहीं, बंद कर बंद, अभी आप लोगों ने एक स्प्रिंकलर उड़ गया, तो क्यों नहीं स्प्रिंकलर क्यों नहीं था ना, डबल, आप लोग देख सकते हो ये, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप, स्प्रिंकलर, क्या बोलेंगे, स्प्रिंकलर, इसका काम क्या है, स्प्रिंकल करना, ये कब कब फटता है, ये कब फटता है, ये डिवाइस जो है कब फटेगा, टेम्परेचर कितना होगा, 68 डिग्री टेम्परेचर, हमने आग लगाई थी बराबर, आप लोगों ने देखा रहेगा आग लगी है, जैसे टेम्परेचर 68 डिग्री क्रॉस करता है, क्या होता है, क्रॉस करता है, तो क्या होगा, इसके अंदर जो मर्क्यूरी ट्यूब है वो क्या होगी, फट जाएगी, आप देख सकते हो मर्क्यूरी ट्यूब, अभी ये हमने क्या किया था, इसको बंद करके रखा था, अगर बंद करेंगे तो ये क्या होगा, ब्लास्ट नहीं होगा, ब्लास्ट नहीं होगा, ब्लास्ट नहीं होगा बराबर, क्योंकि क्या हुआ, इसके ऊपर हमने कवर रखा है, ठीक है, जब नया होता है तो ये कवर कर देते, फिर बाद में हम लोग को जब इस्तेमाल करना है तो हम निकाल देते हैं, और इसके बाद में हम यहाँ पे इस तरह से टंगा रहता है बराबर। आपने जो देखा ये जो स्प्रिंकलर है फायर हाइड्रेंट की जो लाइन है, इसके अंदर क्या है था, क्या था, पानी था, लेकिन पानी के बाद क्या था, और प्रेशर था, पानी का प्रेशर था, ये मेंटेन हमेशा रहना चाहिए, पानी का अगर प्रेशर मेंटेन नहीं है तो क्या होगा,
पानी नहीं आएगा जिस तरह से जो फोर्स से आया था। हमने शावर हमारे घर में भी शावर है लेकिन वो प्रेशर इतना नहीं था जो यहाँ पे है। इसमें 5 kg 7 kg 10 kg तक प्रेशर जो होता है अगर वो मेंटेन रहेगा तो क्या होगा, हाँ कहीं पे आग लगी है तो जल्दी से बुझ जाएगा, जल्दी से बुझ जाएगी, बराबर की ना। आपने देखा जल्दी से आग बुझ गई, बराबर जैसे लगी उसका 68 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद क्या हुआ, आग बुझ गई। हमेशा देखो ये मैनुअली हमने फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया, हम खुद गए, मगर हम नहीं रहेंगे तो भी क्या होगा, ये डिवाइस अपना काम करेगा, क्या करेगा अपना काम करेगा, क्या करेगा वो, जैसे जहाँ पे नीचे आग लगी है उसका टेम्परेचर 68 डिग्री क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा, हम लोग सोए भी रहेंगे। यहाँ पे आग लगी है तो क्या होगा, स्प्रिंकलर क्या होगा अपना काम करेगा, 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर दिया तो आग स्प्रिंकलर फट जाएगा, ये मर्क्यूरी ट्यूब फट जाएगी और इसमें से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा और वो भी फोर्स से पानी निकलेगा। जब हमारा सिस्टम प्रेशर से रहेगा तो ही, अगर प्रेशर मेंटेन नहीं है, कभी कभी क्या होता है प्रेशर मेंटेन हम लोग देखते नहीं है तो यहाँ पे कैसे ग्रीन सिग्नल हमने देखा फायर एक्सटिंग्विशर पे, हम यही से जान गए कि इसका इस्तेमाल हो गया। ठीक है, अभी देख लो आप, ये ट्यूब है और ये फटने के बाद क्या करना है हमको, इसको रिप्लेस करना है, अगर रिप्लेस नहीं कर दिया तो क्या होगा, पानी तो चालू ही रहेगा कंटिन्यू, हमको तुरंत इसको बदलना पड़ेगा। अभी हमने क्या किया, ये पानी बंद करने के लिए, नहीं तो पानी कंटिन्यू चालू रहेगा, हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर प्रेशर भरा रहता है, पानी चालू ही रहता है, हमको क्या करना रहता है, हमको आग बुझने के बाद वॉल्व बंद करना रहता है, वॉल्व मेन वॉल्व नहीं बंद करेंगे तो पानी बहता जाएगा, पानी फिर पूरी पूरा ठीक है ना, समझ गए ना, पानी इसके लिए हमारा ये वॉल्व रहता है, वॉल्व को बंद करेंगे तो हमको जब चाहिए हमको पानी हम बंद कर सकते हैं, उसके बाद में हम उसका वापस उसको नया बिठा सकते हैं। कैसे नया बिठाएंगे, तो ऐसे बिठाएंगे और जूना इसको हमको निकालेंगे। ठीक है, हम लोग नहीं रहेंगे तो भी इसका काम होगा। ये मैनुअली हुआ या ऑटोमेटिक हुआ, ऑटो में था इसके लिए हो गया, हम नहीं रहेंगे तो अभी आग लगने के बाद स्प्रिंकलर एक्टिव होगा और फटने के बाद 68 डिग्री क्रॉस करने के बाद आग बुझेगी, ये स्प्रिंकलर फट जाएगा और उसके अंदर से पानी निकलेगा, शावर की तरह सब जगह पे फैलेगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है क्या, ये दोनों अलग कैसे हो गए, ये दोनों अलग होने, ये फूटने के बाद अलग हो गए और ये हमारा चीज है, इसमें जो आपकी प्लास्टिक की कैप लगी है ना ऑरेंज, वो आप सबको बताइए कि वो निकालना है, नहीं तो ऐसे ही रखेंगे, हम लोग क्या करते हैं, चलो नया है बस लगा के रखेंगे, मगर हाँ कहीं पे भी हो, इनिशियली कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू प्रोटेक्शन के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है, नहीं तो पहले वो मेल्ट होएगा फिर आपका ग्लास मेल्ट होएगा, नहीं उसको टाइम बहुत लगेगा, ये मेल्ट होने के इंतजार करना पड़ेगा तो इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, 68 डिग्री मेल्ट हो जाएगा तो प्लास्टिक को मेल्ट होने के लिए 150 टेंपरेचर, हाँ वो ऐसे वो जितना ये लगेगा उतना टाइम लगेगा उतना अपने को ये होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, फायर हाइड्रेंट का इस्तेमाल करेंगे, अभी उसमें जो प्लास्टिक का पीला लगा निकाल लीजिए, केवल बल्ब रहेगा। अभी ये हमने ऑटो हुआ मैनुअल हुआ वापस हमको नॉर्मल क्या करना है, कूटे गया फायर हाइड्रेंट सिस्टम वहाँ पे है ना, अभी सब लोग यहाँ पे आ जाइए, अभी हम लोग फायर हाइड्रेंट सिस्टम यूज करेंगे। कैनवास भाई भाई ना पानी भाई बरोबर है ना, लीकेज वगैरह नहीं ना, उड़ पर अभी आप देख लो, सब लोग यहाँ पे आ जाइए, ये लास्ट है, लास्ट एंड बेस्ट है, ये सबसे जब आग यहाँ पे आ जाइए, कैमरा सब लोग यहाँ पे आइए ना, फायर हाइड्रेंट सिस्टम के बारे में जानकारी लीजिए, ये स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर है, क्या है,
स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट, इसको मैनुअली हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे मैनुअली इस्तेमाल करेंगे, जो हुआ वो ऑटो में हुआ मैनुअली, स्प्रिंकलर जो हुआ ऑटो में हुआ अपना है क्या थोड़ा यहाँ इकड़ बाजू में ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर, फायर हाइड्रेंट राइजर है बराबर है। अभी ये कैनवास भाई बोलते हैं हम लोग, कैनवास शूज मालूम है ना उसका बना हुआ कैनवास का, ये कैनवास होस पाइप है, क्या है कैनवास होस पाइप, फायर का कैनवास होस पाइप है बराबर। इसके ऊपर क्या है, ये कपलिंग है, कौन सा कपलिंग है मतलब का मेल, मेल कपलिंग, कौन सा कपलिंग है मेल कपलिंग है बराबर। और उसके आगे का तो घेवन है ना पाइप पूरी इकड़े घेवन है यहाँ साइड ला, ये मेल कपलिंग है और ये क्या है फीमेल कपलिंग है, ये स्टैंड बाय फायर राइजर को अटैच होता है पहले से, इसके अंदर वाइसर होता है ना है, इसके अंदर वाइसर होता है उसके बाद में टाइट होता है। और ये लॉक सिस्टम है, इसको क्या बोलेंगे लक्स, क्या बोलेंगे लक्स बोलेंगे। और इसको कैसे हम लोग इसको अंदर अटैच कैसे करेंगे, मेल कपलिंग टू फीमेल कपलिंग, समझ गए ऐसे। और निकालना कैसे हमको, लक्स है खींचना है, कोई कोई क्या करेगा ऐसा ऐसा करेंगे, अरे निकलेगा कैसा, कब कैसे निकलेगा, लेकिन आपको पता है कैसे उसको खींच के निकालना है, नहीं तो कोई कोई क्या करता है ऐसे घुमाता है ऐसे घुमाएगा डायर, ये होना नहीं, हमको मालूम होना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग खोलेंगे, कैसे आप खोल लो दिखाओ, इतना इजी है हम लोग खोल सकते हैं, हाँ निकल गया बराबर। अभी हम लोग अटैच कैसे करेंगे दिखाओ, हाँ बराबर, एक छोटा बच्चा भी ये इसका इस्तेमाल कर सकते, इतना इजी है ठीक है। ये हम लोग ये एक साइड में होता है, क्या होता है एक साइड में मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग बराबर, दूसरे साइड में ये फीमेल कपलिंग है, क्या होगा ये फीमेल कपलिंग, इसके दोनों बाजू में लॉक है बराबर है। इसको निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, इस तरह से खींच के निकालेंगे ठीक है, ये पकड़ अभी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको ब्रांच पाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको ब्रांच पाइप, ये आगे की तरफ रहेगा जहाँ पे आग लगी है, जहाँ पे आग लगी है उसको क्या करेंगे हम लोग, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको अटैच कैसे करेंगे, इस तरह से हम लोग पकड़ेंगे कैसे, ये जो कपलिंग है जहाँ पे कैनवास पाइप जो बांधा हुआ है और इसमें ब्रांच पाइप, इस तरह से लेफ्ट हैंड में क्या करेंगे लेंगे ब्रांच पाइप और राइट हैंड में क्या रहेगा फीमेल कपलिंग, और इसको इस तरह से बराबर, कितना इजी है देखो सॉफ्ट है आराम से। हम लोग निकालेंगे कैसे, हम दोनों नहीं ये दोनों इस दोनों पैर में क्या करेंगे हम लोग देखो आप, हाँ पैर में रखने के बाद इसको खींचेंगे और जैसे पानी आ गया तो हम ऐसे करेंगे, समझ गए किसे इस्तेमाल करना है इसको, इस तरह से एक हाथ में ब्रांच पाइप रहेगा एक हाथ में फीमेल कपलिंग रहेगा, और मुझे पता है इसके हाँ ठीक है। अभी हम लोग क्या इसका इस्तेमाल करेंगे, पानी किस तरह कितना फोर्स से जाएगा आप देख सकते हो, संतोष केबल उस लोग हाँ ठीक है इकड़े कुछ कर रहे थे ये बोलता है ये भी कोई भी अपने गांव का ये पोड़ा कोटड़ी पकड़ 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 बैग और कैमरा बैग सब सब हटा सब लोग यहाँ पे आइए ना, देखो थोड़ी हाँ पोडियम कार है लाल कार पर्यंत जाऊ ना सर, चालेल का रोडवर कसा काय मारा, नाही रोडवर नाही पण पोडियमवर मारा, पोडियम पोडियम हलचाल इथे मारू, पोडियम आवे नी जे जाय ना काय रोडवर केलं तरी कॅशलेस भी हो जाएगा, देखो आठ माले तक जाना चाहिए तो आठ हां 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 खिड़कियां बंद है मान से कपड़े थोड़ा सा गाड़ी पे धरो थोड़ा सा ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट इसको पकड़ लो,
ठीक है ना, ठीक है। इसका इस्तेमाल हमको कब करना है, जब बड़ी आग लगती है, हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझाते। किससे बुझाएंगे हम लोग? ये फायर हाइड्रेंट से हम लोग बुझाएंगे। जब आग लगती है, आग भड़कने के बाद जैसे हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझा सकते, तो हम लोग किसे बुझाएंगे? कैनवास होस पाइप फायर हाइड्रेंट सिस्टम से हम लोग बुझाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग किस तरह से पकड़ेंगे? इस तरह से लेफ्ट हैंड से ब्रांच पाइप को पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बराबर कहाँ जाएगा? पकड़ने का स्टाइल होना चाहिए इस तरह से हम पकड़ेंगे ताकि हम, ठीक है, और पीछे बंदा रहना चाहिए, पीछे है पाइप, माइक उधर दे दे सामने दे। ठीक है, आप सब लोग देख सकते हो इसको, अभी इसका प्रेशर जो है, पानी का प्रेशर है और 10 केजी तक रहेगा। कितना केजी का है संदीप? 12 केजी का प्रेशर है, बराबर है। ये जो स्प्रिंकलर का प्रेशर होगा वो 5 केजी तक रहेगा, मगर इसका प्रेशर 12 केजी तक है। हम लोग तो अभी सब लोग इधर आ जाए, पाइप को पकड़ो, ये पकड़े, दो सफिशन है। अभी जितना कंट्रोल करेंगे पाइप को, अच्छा, उठा लेंगे तो क्या होगा, मेरे लिए आसान होगा, और नहीं रहेगा तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, रेडी, चलो। अभी मैंने क्या किया है, पकड़ लिया, बराबर एक द पानी उधर से आ रहा है, एक द फेस ऑफ फायर। हेलो राजू, हेलो मेन तो ऑन वाटर, हाँ हाँ जोगी चलते जोगी चलते जोगी चलते उसके ऑर्डर था, वो मेन पे भी ऑर्डर। हाँ मेन पम्प चल रहा, चालू होना, मेन पम्प चालू होना, लॉक है मेन पम्प। हाँ आपने सब लोग ने, बस ठीक है राजू, मैं तो मैं अभी ट्राई करने, तो आप ट्राई कर सकते हो, एक-एक करके आ जाइए, बड़े हो गए नहीं 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 बच्चों को नहीं, बच्चों का खेलने का नहीं, ठीक है, किसी को ट्राई करना है तो आप आ जाइए फटाफट, पेन पेन लो, अच्छा अच्छा ये इसको यहाँ पे पकड़ लो, और इसको इधर तक ले लो, इसको यहाँ ये अंदर, इसके अंदर अटका दो इधर ना, ये इसके ऊपर आना, अंदर बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इसके अंदर काखे में अंदर आना, बहुत प्रेशर है, ये फूकेगा तो ये बीच में गैप रखो आप ऐसे, ओके ओके, हाँ इसके अंदर अटका दो ताकि आपको ये हो जाए, ठीक है, लेफ्ट का पैर आगे, इधर मोबाइल होगा तो निकाल लीजिएगा, मोबाइल निकाल ले, हाँ मोबाइल निकाल ले, ठीक है रेडी, अंदर लगा दो, नीचे नीचे एम करो, जाना करके नीचे जमीन पे करो, फिर बाद में धीरे धीरे अपने को लगेगा लोड है नहीं, ठीक है रेडी, संदीप रेडी, थोड़ा साइड में, सोड़ सोड़ हलू हलू सोड़ सोड़ थोड़ी कड़े आराम से, देखो प्रेशर जैसे बढ़ेगा, यहाँ पे आ जाए कैमरा चल, हलू हलू जा सकते हैं ना, पर नेक्स्ट कोई है किसको इस्तेमाल करना है, कर सकते हो आप लोग, एनीवन कैन कम, चलो मैं यूज करता हूं, ये किसको करना है आप कर सकते हो, आ जाइए, जैसे हम लोग प्रेशर देंगे वैसे ही वो, ये श्रीमान को, श्रीमान ओ श्रीमान, ये पूरा अभी गीला हो गया, ठीक है नेक्स्ट कौन है,
पानी का प्रे। हाँ आप आ जाइए, आ जाइए, आपको करना है तो कर सकते हैं, उसमें क्या, वो साइड से, वो साइड में खड़े रहो, हाँ ऊपर पकड़ना इसके, ये इसको ऊपर, इसको उस ऊपर से पकड़ लो, हाँ और ये नीचे से डालो, और इधर, और इसके अंदर छुपा दो, लेफ्ट हैंड पैर आगे ले लो, हाँ और ये बीच में गैप रखो, ये फूकेगा, हाँ थोड़ा ऐसा, और इसको अंदर ही अटका दो, होल्ड करो, अंदर से, अंदर से, अंदर से करो, ऐसा बस, बहुत प्रेशर होगा वहाँ, हाँ थोड़ा ये साइड में, और ये थोड़ा इधर इसके ऊपर ऐसे रखो ना, आराम से, ठीक है, रेडी, धीरे धीरे, आने दो, आने दो, थोड़ा दे दे दे, हाँ दे 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 दे, खोल, भाई पकड़ लिया है ना अपन, इसका वेट जो है ना इन्होंने पकड़ लिया है, तो इधर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, ऊपर करना, ऊपर कर सकते हैं, बांध बांध, नेक्स्ट कोई है, और सिक्योरिटी आपको करना चाहिए, आप तो पहले रहते हो, नहीं जहाँ पे आग लगेगी वहाँ पे आपको पहले फर्स्ट पर्सन आप हो, लेफ्ट पैर आगे ले लो, ये साइड, रेडी स्टार्ट, धीरे धीरे, कम ऑन स्टार्ट, प्रेशर 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 बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ और बढ़ाओ,